बीपीएससी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2021 12वीं पास के लिए बीपीएससी में कई पदों पर वैकेंसी 63,000 तक मिलेगी सैलरी, लास्ट डेट करीब। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट मैं देने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी कि एलडीसी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो किसी कारणवश इन पदों पर अब तक वैकेंसी नहीं कर पाए हैं, अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.b.nic.in पर जाकर के तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल 2021 है। आपको मैं बता दूँ कि आपको किस तरीके से करना है आवेदन। तो दोस्तों सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपको एक लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों बीपीएससी एलडीसी रिक्रूटमेंट 2021 भी आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया के तहत कुल 24 पदों को भरा जाएगा, ठीक है। बात करें अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में तो 19 मार्च 2021 को आवेदन की शुरुआत की गई थी, जो कि 16 अप्रैल 2021 को आवेदन की अंतिम तिथि है। बात करें अगर हम रिक्त विवरण के बारे में तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए यानी कि एलडीसी के लिए 24 पद भरे जाएंगे इस बार। शैक्षिक योग्यता के बारे में अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 37 ईयर्स रखा गया है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वेतन के बारे में। तो वेतन जो है वो 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहेगा। चयन की प्रक्रिया कैसे होगी? तो उम्मीदवारों के चयन के लिए बीपीएससी 2 लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ही अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।